हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स वाई ग्रुप सेट जीके का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ठीक है। ये आपका जीके का प्रैक्टिस सेट है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैंने सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, तो इसको अच्छी तरह देख लीजिए, जो आपको आगे आने वाली परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, SEBI का शब्द विस्तार क्या है, मतलब SEBI का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा। आपका देख लीजिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मॉरिस ग्रीन का संबंध किस खेल से था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो एथलेटिक्स से था। भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ था, फिर से बोल दे रहे, भाषा के आधार पर किस राज्य का सर्वप्रथम गठन हुआ था, कौन सा राज्य था, तो जो आंध्र प्रदेश यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नॉर्वे की राजधानी कौन सी है, तो ये थोड़ा अच्छी तरह समझाएंगे, आप थोड़ा अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एयरफोर्स में वाई ग्रुप में एक करेंसी कैपिटल से एक क्वेश्चन जरूर आता है, स्पोर्ट्स से आता है और एक राज्यपाल मुख्यमंत्री से आता है, राष्ट्रपति से, ठीक है। चलिए नॉर्वे की राजधानी कौन सी है, सीधा ऑप्शन है यहाँ पे ओस्लो। इसको देखते हैं क्या है। डेनमार्क की राजधानी आपकी क्या है, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है, अर्जेंटीना की राजधानी आपकी ब्यूनस आयर्स है। अगला है कि फिलीपींस होती है, जो फिलीपींस की राजधानी मनीला होती है। इन सबको चारों को मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है, कोई भी आ सकती है पेपर में, ठीक है। जापान की टोक्यो होती है, करेंसी आपकी जापान की अक्सर पूछी जाती है, तो जापान की करेंसी येन है, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट है, चलिए ये दिया गया आपका कुंभ मेला कितने वर्षों बाद लगता है, तो कुंभ मेला है जो 12 वर्षों बाद, मतलब लगता है 12 वर्ष में एक बार, ठीक है। अष्टादाई किसकी कृति है, तो इसको बताइए जरा, अष्टादाई किसकी कृति है, याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए इसमें अष्टादाई जो, एक मिनट रुकिएगा, अष्टादाई आपकी वो पाणिनि की है, ठीक है। चलिए अब अगला दिया गया आपका ये है भाषा के किस राज्य का अपना अलग संविधान है, तो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं अपने चैनल पे एयरफोर्स नेवी की तैयारी कराता हूँ, ठीक है, और अदर भी कराता हूँ ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, लेकिन एयरफोर्स नेवी की करा रहा हूँ। तो आप इसमें GK रीजनिंग मैथ एयरफोर्स वाई ग्रुप कराएगा और इंग्लिश प्रपोजिशन सब आपको मिल जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स की, और चैनल पर जाके देख सकते हैं आप। मैं फिजिक्स भी करा रहा हूँ, मैथ भी करा रहा हूँ एयरफोर्स की एक्स ग्रुप के, तो उसको भी जाके चैनल पर विजिट करिएगा। डिफेंस स्टडीज यहाँ पे चैनल लिख के आ रहा है, उस पर क्लिक करिएगा, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्ट्रिच संधि के फलस्वरूप निर्मित संघ है, तो यूरोपीय संघ यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए जिसको जिसको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैसे मैंने लिए थे, ठीक है। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है।